आगरा के पत्रकारों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, देश के पत्रकारों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से आगरा में ये प्रार्थना करने आया हूँ, देश को ये आवाज बताने आया हूँ, ये आवाज मेरा मैसेज पहुँचे, आप सबके माध्यम से पहुँच सकता है। हम सनातनी किसी के देवी देवता या जो भी जिनकी पूजा करते हम अपमान नहीं करते किसी का। औरंगजेब ने 1670 में हम सबको सदियों तक अपमान करने की षड्यंत्र किया और आज भी हम अपमानित हो रहे हैं। आज मैं मन कामेश्वर मंदिर गया था, पहले वहीं दर्शन किए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मेरा हृदय रो रहा है, मैं दुखी हूं। मुझे वहीं से निकाल दिया गया जामा मस्जिद के आगे होके ही, लोग इतने थे, ट्रैफिक था, तो मेरा हृदय रो पड़ा कि मैं एक देश में रहता हूं जो स्वतंत्र है, सनातनियों का है, फिर भी मेरे आराध्य के छवियों के ऊपर पैर रख के कोई जा रहा है। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं तो अपमानित करके तो हम भाईचारा नहीं कर सकते ना जी। अगर भाईचारे की बात है तो प्लीज रिस्पेक्ट माय रिलीजन, देन आई विल रिस्पेक्ट योर रिलीजन आल्सो। अगर भाईचारे की बात है तो गिव एंड टेक है ना, मैं आपका अपमान न करूं, आप मेरा अपमान नहीं कीजिए, मैं यही चाहता हूं। और अब हम इसी यात्रा में यही मुद्दा उठाने वाले हैं और सभी सनातनियों को जगाने वाले हैं कि हम देश के आगे, देश की सरकार के आगे, हम कोर्ट के आगे, हम जनता के आगे ये मुद्दा लेके जाएंगे, जिससे हमारे कृष्ण जल्दी से जल्दी, अभी हमारी इच्छा ये भी है कि हम हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट जाकर टाइम बाउंड कुछ कराने का प्रयास करें, अगर जज महोदय हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जिन सीटों के परिवर्तन हो रहा है, आज भी निरंतर लगातार जिहादी निकलते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि उस पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक कोर्ट का कोई निर्णय ना, जब तक कोर्ट का कोई आदेश न हो तब तक रोक लगनी ही चाहिए, क्योंकि भाईचारे के नाते भी समझ लीजिए ना, अगर आप मुझे भाई कह रहे हैं तो, और मैं कह रहा हूँ वहाँ इतिहास कहता है सर वहाँ ठाकुर जी की छवि है, तो भी उस बहाने रोक देनी चाहिए, और अगर वो नहीं रुकते हैं तो फिर कोर्ट के माध्यम से रुकते हैं। एक बात है, लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है, उनकी तरफ से कोई भी पक्ष की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, आप इस आगे क्या कदम उठाएंगे, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, जो जो संविधान मुझे राइट्स देते हैं मैं उन सभी संविधानों का प्रयोग करूंगा, राइट्स के प्रयोग करूंगा। और अपने इन सनातनियों को देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भवका बनाने के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, इन सब युवाओं को खड़ा करेंगे और युवाओं को सनातन की बात घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर इसके लिए हमें और भी कुछ, अभी कोर्ट में चल रहा है, मंचों से हम कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ी तो हम रोड पे भी उतरेंगे। इस तरीके के जागृति सम्मेलन कब तक, जब तक ठाकुर जी मुक्त नहीं हो जाते। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि देश की महिलाओं की लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन काफी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें आप कोई अभियान चलाएंगे या कुछ आपकी तरफ से कुछ? अभी तो हमने ये अभियान चला रखा है, हम तो देश की सरकार से एक प्रार्थना करेंगे, सनातनी बच्चों का विधर्मियों के साथ विवाह होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कानून लेके आना।